हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया, सो डोंट बी कंफ्यूज। एंड अगर बात करते हैं आज के वीडियो की, तो आज बात करने वाले हम शिमारो एंटरटेनमेंट। आपने नाम सुना ही होगा, आप घर पे टीवी भी देखते होंगे तो उसमें शिमारो, या फिर आप बात करें यूट्यूब पर भी चैनल्स है शिमारो, वहाँ पर सॉन्ग्स एज वेल एज मूवीज उनसे रिलेटेड आती रहती है। मतलब शिमारो है क्या? तो शिमारो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या कहते हैं मूवीज बनाई जाती है। ओके, वो मूवी प्रोड्यूस भी करते हैं और वहां पर उनको दिखाया जाता है स्क्रीन में, और अच्छी अच्छी मूवीज ऐसा नहीं है। तो अगर बात करें उस शेयर की, तो मुझे एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा वो गेन आपको दे सकता है। तो आइए उसी से रिलेटेड बातें भी करते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ सॉरी इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और आप नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेके ही आप काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अगर बात करें, हमने एक सप्ते पहले ही शायद अपोलो हॉस्पिटल खरीदे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक सप्ते पहले ही हमने अपोलो हॉस्पिटल के लिए 5 डेज पहले ही खरीदा था। आज की डेट में 7 to 8% के गेन हमें मिल चुके हैं, मतलब 10% के लगभग के गेन हमें मिल चुके हैं, जो कि मेरे को जो कि मैंने आपसे कह भी दिया था। तो मैंने आज यहाँ से एग्जिट कर लिया है, बाकी तो नीचे आएगा गेन आई विल बाय इट। अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और उसे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं फ्री में। तो आइए वीडियो की तरफ। शिमारो एंटरटेनमेंट 129 रुपीज का शेयर चल रहा है और 2.86% की यहाँ पर गिरावट है। 5 डेज में गिरावट है, 1 मंथ में गिरावट है। ओके, और मैं इसे होल्ड करने के लिए नहीं, इसे दोबारा मैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ही कह रहा हूँ कि अभी लेंगे तो अच्छा खासा हमें गेन मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पर शेयर अगर बात करें 30% से ज्यादा टूट चुका है। ये यहाँ पर 22 दिखा रहा है, बट एग्जैक्टली में ये लगभग 30% के आसपास टूट चुका है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करते हैं, तो देखिए आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा कि यहाँ पर से देखिए ऊपर जा रहा है, फिर इसके बाद नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या लगता है, पोजिशनल पर्पस के लिए ये शेयर एकदम परफेक्ट है और यहाँ पर आपको गेन मिलेगा। क्यों मिलेगा, उससे रिलेटेड हम आगे बात करते हैं। अगर बात करें 15 नवंबर 2020 को यहाँ पर 51 रुपए पर ये शेयर आ गया था। उसके बाद इसने 180 रुपीज तक, जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही लगाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली गिर रहा है। और बात करें यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर अगर बात करें 65% का यहाँ पर शेयर प्रोमोटर्स के पास है, बाकी FIIs DIIs ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है और FIIs के पास अच्छे खासे शेयर्स भी है। और डिविडेंड की बात करें, 2017, 2018, 2019 में यहाँ पर डिविडेंड कंपनी डेली मीन्स हमेशा देती आई है। एज वेल एज बात करें इसके रिजल्ट आने वाले हैं 8th of June को, जो कि आज 3rd of June है। और अगर हम बात करते हैं 8th of June, तो ट्यूजडे है, मतलब ट्यूजडे को यहाँ पर रिजल्ट है, और मुझे ट्यूजडे तक आपको दोबारा 10% का गेन मिल सकता है। अगर आप ये बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पर कल की डेट में बाइंग करने जा रहा हूँ। अभी लेट हो गया था, मैं मार्केट बंद हो गई थी मुझे पता चला ये शेयर से रिलेटेड, तो कोई इशू नहीं है, मैं कल मार्केट ओपन होगी तो पूरा दिन वेट करूंगा। जब भी मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा आई विल डेफिनेटली बाय इट। और बात करें यहाँ पर शिमारो से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे नजर आते हैं। पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर इनका बिजनेस देखे, आर बिजनेस यहाँ पर देखेंगे, तो इनका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस है मूवीज बनाने का। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, सिंडिकेशन से रिलेटेड, इस OTT यहाँ पर OTT के यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी है इनका, DTH भी ये शायद देते हैं, यहाँ पर इनफ्लाइट भी देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, स्टूडियो भी है। तो यहाँ पर आप देखिए मूवी प्रोडक्शन, मूवी वैल्यू एडिट सर्विस, और बाकी यहाँ पर वेबसाइट पे रहेंगे तो आपको पता चलेगा ये मूवीज बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेरा फेरी, शैतान, बेनाम, यहाँ पर जितनी भी ये मूवीज है इश्क किया, ये सारी की सारी इन्होंने ही बनाई है। एज वेल एज कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड पहले ही बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी हैज लॉन्च 2 TV चैनल, शेमारो मराठी बाना इन October 2019 एंड शेमारो TV April 2020। एंड शेमारो इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट फॉर ब्रॉडकास्ट ऑफ सैटेलाइट चैनल फिजिकल, जो कि हमने बात कर ली ऑलरेडी। अगर बात करें मार्केट कैप की, माइक्रो कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं है, 361 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। डेट की बात करें, डेट इनका बढ़ रहा है, 43% का डेट है। प्लेजिंग की बात करें, 0% की प्लेजिंग है। बट मैं शेयर को क्यों चूज कर रहा हूं, कुछ पॉइंट्स है जो कि अभी मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहले इनके रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो यहाँ देखिए पिछले 12 महीने में 117, फिर 113, 158, 146, मतलब लग एक बार एक ही रेंज में यहाँ पर चलते हुए नजर आए। फिर यहाँ पर एक गिरावट हुई, और फिर अगर बात करें यहाँ पर पैंडामिक आ गया, मूवीज वगैरह बननी बंद हो गई, फिर यहाँ पर गिरावट आई, फिर यहाँ पर देखिए सितंबर में यहाँ पर फिर गिरावट आई, और फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर बात करें दिसंबर में, तो दिसंबर में दोबारा इन्होंने पीक लेना शुरू कर दिया है, और मुझे लगता है इस बार की सेल्स इनकी और ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज अगर बात करें मूवीज बनना और सीरियल्स बनना, ये सब चीज बनना शुरू हो गई है। ओके आपको पता नहीं होगा बट यहाँ पर अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए नेगेटिव में था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब पॉजिटिव में आ गया है पिछले 2-3 क्वार्टर के बाद। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं 19 करोड़ से लेके यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट अगर एग्जैक्टली बात करूँ जो ये डिप्रिसिएशन होता है इसका मतलब होता है कि ये इन्हीं के पास पैसे है, बस ये दिखाते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म में ये खर्चा हो गया तो इस वजह से, बाकी इन्हीं के पास पैसा होता है। अगर इसको इसमें से अगर माइनस भी करते थे तब भी पॉजिटिव में यहाँ पर कुछ लैक्स का यहाँ पर, सॉरी 1 करोड़ कुछ लैक्स का यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो ही दिखाई देगा। तो कंपनी दोबारा नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है और आगे चल के और प्रॉफिट में आने वाली है क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू ओपन। ओके और ओपनिंग थीम में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। और एक चीज और, यहाँ पर सेल्स ईयरली बेसिस पे अगर देखते हैं तो देखिए 2009 में 103, 102, 155, 181, 213, 267, 323, 375, 415, 477, 548, सब मतलब 2019 तक एवरीथिंग वॉज गुड। ओके कंपनी धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जा रही थी, बट एक साथ क्या हुआ, यहाँ पेंडेमिक आया, यहाँ पर गिरती हुई नजर आई, यहाँ पर फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता ही है कि 2-3 क्वार्टर यहाँ पर लॉकडाउन ये वो सब चीज चलता हुआ नजर आया, बट दोबारा से यहाँ पर कंपनी दोबारा से शुरू हो गई है। ओके यहाँ पर फिर दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर OTT है इनका, ओके यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, वहां से ये अर्निंग कर ही रहे हैं। अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें खर्चे कुछ ज्यादा हुए हैं, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो इस बार का क्वार्टर होगा, मुझे लगता है कि इस बार का क्वार्टर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। क्यों? क्योंकि इनका 8 तारीख को ये रिजल्ट है पहली बात, और जो कि आपको पूरा का पूरा समझ में उस दिन की किस्सा समझ में आ सकता है आ जाएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेगेटिव जस्ट बिकॉज आपको पता है लॉकडाउन। ओके बट यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर ईयरली बेस पे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बट यहाँ पर जो पेंडेमिक आ गया इस वजह से, और फिर अभी बंद था सब कुछ तो इस वजह से नेगेटिव, बट कंपनी प्रॉफिट में ही थी और ये शेयर इतना गिर चुका है अगर बात करें अच्छा खासा, अगर ईयरली बेस पे बात करते हैं तो अच्छा खासा ऊपर यहाँ पर था, और फिर 5 ईयर्स का ले लेते हैं और ऊपर से यहाँ पर पेंडेमिक में फिर एक कंसोलिडेशन फेज, और अभी ये चढ़ना शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि ये शेयर अब अच्छा खासा आपको गेन दे सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर से ही हेल्प लेनी है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स भी कंटिन्यूस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 552 करोड़। बोरिंग की बात करें, 247 करोड़ है, बढ़ती हुई नजर आ रही है, नो इशू, बट यहाँ पर रिजर्व्स इनके पास इतने खासे हैं जब भी चाहेंगे बोरिंग चुका देंगे। फिक्स एसेट की बात करें, 30 करोड़ के फिक्स एसेट है, और इन्वेस्टमेंट की बात करें 8 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल 80 करोड़ का है, 6 करोड़ का कैश है, जो भी पैसा आता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट में दिखाई देता है, तो अच्छा खासा 20 और 21% के ROCE के साथ ही काम कर रहे थे, बट यहाँ पेंडेमिक का असर है वरना यहाँ पर 20 और 21% का ही आपको आपको ROCE से चलता है, और 20% का ROCE काफी बेहतरीन ROCE में माना जाता है। प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स का 65.8 यहाँ पर बात करें 88% की होल्डिंग है, जो कि इन्होंने दिसंबर 2019 में यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़त बढ़ाई थी 0.06। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के नाम, अगर बात करें FIs की, FIs ने इसी क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाई है थोड़ी सी। DIs की बात करें, यहाँ पर DIs की हिस्सेदारी यहाँ पर 0 पर है, और बात करें पब्लिक की तो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर बात करें 23 है, बट 23 में भी यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर HNIs डेफिनेटली होंगे, तो इस चीज को देखिएगा। और अगर अपर प्रमोटर अगर बातें करें ऑपरेटर इस शेयर में आ गए तो ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते कुछ टेक्निकल्स की। ओके मैं यहाँ पर सब चीज यहाँ पर एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये शेयर चल रहा है इधर, तो हम अगर बात करते हैं इस शेयर की, ये शेयर देखिए वो यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दिया था, जो कि लास्ट टाइम इसने यहाँ पर ही पीक पेंडेमिक से पहले भी यहाँ पर ही चल रहा था और यहाँ तक पहुंच गया था। यहाँ पर अगर देखे कंसोलिडेट कर करके यहाँ पहुंच गया, और दोबारा अब एक गिरावट आनी शुरू हो गई और 129 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं इसके ऑल टाइम हाई की, तो उसे भी देख लेते हैं। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई हमें नजर आता है लगभग 570 के आसपास। ओके बट हमें ऑल टाइम हाई से कुछ अभी नहीं लेना, हम एक लाइन ड्रॉ करिए जस्ट टू फाइंड आउट इसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर इसने 2 बार यहाँ पर कंसोलिडेट किया है, तो मतलब एक तो यहाँ पर इसका हेड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये शेयर ने यहाँ पर आपको एक दोबारा हेड बनाता हुआ दिखाई दिया, और अभी ये दोबारा नीचे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नीचे जाके ना ये दोबारा रिवर्स होगा, और रिवर्स होगा तो यहाँ पर दोबारा निकल जाएगा, और जब एक बार इस पीक को दोबारा ये क्रॉस करेगा तो ये आपको अच्छा खासा गेन देके जाएगा, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको साफ नजर आता हुआ दिखाई देगा। बट ये एक चीज होती है कि देखिए ब्रेकआउट आएगा तब हम खरीदेंगे और उसके बाद हम गेन लेंगे, तो एक अलग बात है ओके, बट अगर हमें पता है कि ब्रेकआउट आएगा जब बिजनेस वगैरह सब चीज अच्छा होने लग गई है, तो ऑब्वियसली बात है हम पहले अगर खरीद लेंगे तो हम इतना गेन और मिलेगा हमें जितना गेन हमें ऑलरेडी मिलना चाहिए। अगर बात करें 308 रुपए पे ये शेयर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर बात करें कितना परसेंट का गेन नजर आता है, तो अगर हम यहाँ से नजर ले लेते हैं तो ये जो गेन नजर आ रहा है ये गेन है लगभग 150% का, और ये 150% का रिटर्न आपको अगर 2 साल में भी मिल गया ना तो काफी 75% का रिटर्न ये एनुअली होता है। बट अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिजनेस दोबारा शुरू हो गया है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, और यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह सब चीज हटती हुई नजर आ रही है, दोबारा मूवीज वगैरह आनी शुरू होगी, फिर दोबारा यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर अभी अर्निंग भी है तो यहाँ पर अर्निंग होगी तो आपको पता चलेगा। और तब तक के लिए मैं अगर शॉर्ट टर्म की एक बात करूं, यहाँ पर जो इसका पहला टारगेट सामने नजर आ रहा है, इसका पहला टारगेट कितना है, पहला टारगेट इसका है ये लगभग कितना 42% के, जो इसका रिसेंटली अगर बात करें कब 26 मई को, मतलब 42% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। इस चीज को देख रहे हो 42% के आसपास गिर चुका है, और मैं यहाँ पर 8 तारीख की बात कर रहा हूँ, 8 तारीख को। यहाँ पर अगर बात करें इसकी और कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए जो इसका प्रीवियस ओपन था आज का इसका क्लोज है, समझ रहे हो, तो मतलब यहाँ पर ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है, मतलब अच्छे खासे 1,08,000 शेयर के लगभग यहाँ पर आज की डेट में ट्रेड वो होते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर ये रिवर्स हो रहा है, यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, और यहाँ पर रिजल्ट तक शायद ये 20% के रिटर्न दे दे। ओके, देखेंगे अगर 20% के रिटर्न यहाँ पर दे देता है तो अच्छी बात है, ओके तो हम और कंटिन्यू कर लेंगे, अच्छे रिजल्ट आ गए तो कंटिन्यू कर लेंगे वरना एग्जिट कर लेंगे ओके। बट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे बिजनेस ओपन होते जा रहा है, यहाँ पर की बैलेंस शीट साफ बता रही है कि यहाँ पर दोबारा ये सब चीज ओपन अच्छा खासा होता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर 58 से 87 पर कंपनी आ गई है। इस बार अगर बात करें तो 90 प्लस ही यहाँ पर रेवेन्यू होता हुआ नजर आएगा, रेवेन्यू 90 प्लस होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट मैं यहाँ पर कल की डेट में यहाँ पर शेयर परचेज करने वाला हूँ, कल की डेट का ये अच्छा खासा शेयर मुझे नजर आ रहा है। बाकी आप अपनी स्टडी खुद करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारा चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।